नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना इंतकामी फैसले अवाम के सामने लाने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। इमरान खान सहूलत कारों बारे तमाम हकायक अवाम के सामने लाने की हिकमत अमली तैयार। किसी रियायत के बगैर सच कौम को बताया जाए, इजलास में इतफाक। मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान अपने करप्शन मुकदमा से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का माजी बन चुके हैं। गुज़श्ता 4 साल में मुईशत तबाह और अवाम गरीब हुए। मुल्की मुआशी और सियासी मसाइल का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। पीटीएम हुकूमत की मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। शहबाज शरीफ आटा स्टैंड से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ कौम को भी अपनी तरह भिखारी बनाना चाहते हैं। हुकूमत एक थैला देकर लोगों के ज़मीर और बोझ नहीं खरीद सकती। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। और तरीन ग्रुप का मुल्की सियासत में दोबारा फाल किरदार अदा करने का फैसला। जहांगीर तरीन की सदारत में आला सतह मुशावरत। राजा रियाज और चौधरी नुमान लंगरियाल इसहाक आकवानी के इजलास में शिरकत। तरीन ग्रुप का तहरीक इंसाफ के मजीद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं से राबतों का फैसला। मुल्की सियासत में तरीन ग्रुप अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। इजलास में इतफाक़।